ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है, ऑनलाइन परीक्षा हो तो क्लोनिंग कर दी जाती है और अगर ऑफलाइन परीक्षा हो तो फिर बाकायदा फर्जी छात्र दूसरे का एग्जाम देने के लिए पहुंच जाता है। क्या इन सबके पीछे की बड़ी वजह यह है कि रोजगार कहीं है नहीं और रोजगार मिल जाए इसलिए सब कुछ करने के लिए हर कोई तैयार है, और क्या इसके पीछे एक बड़ा रैकेट कहें, धंधा कहें, कारोबार कहें, जो भी कहें, वो पनप रहा है, और क्या ये बिना राजनीतिक शहर के मुमकिन है? निपुण जी, सर जरा एक विश्लेषक के तौर पर टिप्पणी दीजिए कि इतना बड़ा रैकेट जो चलता है बिना राजनीतिक शह के मुमकिन हो सकता है? सर इसमें ना राजनीतिक शह के तो बात है ही, लेकिन साथ में एक जो कोचिंग सेंटर की भूमिका है वो भी एक इसमें बड़ी भूमिका देखी जाती है। और हम देखते हैं जब रिजल्ट आपके आते हैं तो कई कोचिंग वाले बड़े बड़े दावे करते हैं कि मेरे यहाँ से इतने स्टूडेंट हुए। और यहाँ तक भी हम लोग देखते हैं कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, जो आपका एग्ज़ाम पेपर को आउट करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है जी। और उसमें कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी राजनेता का उनको सपोर्ट होता है, तभी वो इतनी अंदर तक घुसकर निकाल पाते हैं। और ये बात केवल एक पार्टी की बात नहीं है कि आज भाजपा के दौर में हो रहा है, ये हम लोग कोठारी कमीशन से लेके अब तक की चर्चा करें तो ये सभी के समय में, हालांकि कई हमारे सरकार ने, चाहे वो हम इंदिरा गांधी जी की बात करें, राजीव गांधी जी की बात करें, या नरसिंह राव जी की बात करें, या वर्तमान में मोदी जी की बात करें, हालांकि मनमोहन जी ने भी 2005 में इसके लिए पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर नीति बनाने की बात की थी, लेकिन कुल मिला के क्या है कि राजनेता, ये हम लोग बात करें पॉलिटिक्स, और साथ में जो आपका कोचिंग सेंटरों का जो निजीकरण है उसके लिए कोई नॉर्म्स ही नहीं है कि कोचिंग सेंटर चलाने वाले कौन हैं। कोचिंग सेंटर का भी निजीकरण पूरा है, वो भी क्या एक प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट के लिए क्या एजुकेशन ऐसे दी जाएगी ताकि क्या पेपर में बच्चा मिले और उसी तरह का अगर पेपर उनके हाथ लग जाता है तो एजुकेशन तो एक मिनट भाई साहब, कोचिंग की तो ये स्थिति है कि SSC की तैयारी करवा रहे हैं, वो कोचिंग का जो डायरेक्टर है वो खुद ग्रेजुएट भी नहीं है। यही बात है, कैपिटलिज्म यहाँ पे हो चुका है, कैपिटल है। बड़े बड़े एड देते हैं, एक बार मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पूछ गया कि बड़ा एड दिया अभी तो बढ़ती नहीं आई, मैंने मंत्री को ज्ञापन दिया मुकदमा दर्ज नहीं किया, बोले आप मुकदमा दर्ज कराने वाले कौन होते हो? कहीं ना कहीं ये मंत्रियों से या कहीं ना कहीं पावरफुल व्यक्तियों से जुड़े होते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती और बड़े एड देख के बेरोजगार आते हैं लाखों की संख्या में कि उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन हकीकत ये होती है कि भर्ती आती नहीं है और वो कोचिंग करते जाते हैं। कोचिंग वालों का सबसे बड़ा रोल है इसमें और अभी भी कोचिंग सेंटर इसमें पकड़े गए, तो कोचिंग वाले बड़ा लालच देते हैं और बेरोजगारों की यह है कि मेरी नौकरी लग जाए कैसे जैसे लगे। सबसे बड़ा जो है ठीक है लेकिन सुनील, एक बड़ा कारण बताइए कि इस तरीके के हर एग्जाम के अंदर, हर परीक्षा के अंदर घोटाला सामने आ जाता है, फर्जीवाड़ा सामने आ जाता है। इसके लिए तो ये प्योरली रूप से इसमें इल्जाम लगाने की कोई बात ही नहीं है, प्रशासन का फेलियर है और प्रशासन स्ट्रिक्ट होगा, ईमानदारी के साथ एग्जाम कराएगा, शिक्षा के प्रति सजग होगा, तभी इन पे लगाम लगेगी, नहीं तो कभी लगाम नहीं लगेगी। शंकर गोरा, जरा बताइए कि अगर इसको पहले ट्रेस कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता, तो कम से कम भर्ती तो संपूर्ण हो जाती। सर इसको ट्रेस करने का जो प्रयास है, SOG ने पहले भी कहा है कि उनको जैसे ही क्लू मिला, हर भर्ती पर उनकी नजर रहती है। पहले देखिए आप, पिछली बार राजस्थान विश्वविद्यालय में जो भर्ती पेपर लीक हुए उसका भी उनको थोड़ा सा क्लू मिला, उसके बाद में लगभग 20-22 के लगभग प्रोफेसर कोचिंग संस्थान। आप तो खुद छात्र हैं, आप तो खुद छात्र रहे हैं, जरा बताइए कि क्या बेरोजगारी इसके पीछे बड़ा कारण नहीं, रोजगार लोगों के बीच में नहीं है, ये एक बड़ा कारण नहीं? देखिए रोजगार, सब लोगों को सरकारी रोजगार मिलना जैसे संभव नहीं है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। तो क्या आपको लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम अभी है वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी दिला पाता है? क्या जो एजुकेशन सिस्टम अभी है वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी दिला पाता है? देखिए इसका प्रयास निश्चित रूप से, प्लेसमेंट सेल राजस्थान में खोली गई है, सरकारी कॉलेजों में भी खोली गई है, और निश्चित रूप से जो पुराना ढर्रा बिगड़ा हुआ था उसको धीरे धीरे सही किया जाएगा, और जिस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है, स्किल डेवलपमेंट में जो स्टूडेंट चाहे जो अपना विषय पढ़ सकता है, 24 बेस क्रेडिट सिस्टम एक केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है जिसमें 24 बेस कोई भी स्टूडेंट, जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट अगर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ लेना चाहता है तो CBCS कोई 24 बेस क्रेडिट सिस्टम, इसकी पूर्व में सेमिनार भी हुई है, उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस प्रकार से वो लेकिन शंकर कितने सालों तक ये सब चलता रहेगा कि चंद मछलियां हर तालाब को गंदा कर जाए? देखिए सर, बिगड़ा हुआ ढर्रा है उसको सही करने में थोड़ा समय लगता है, धीरे-धीरे इसे समय आज सबसे बड़ा सवाल यह है आप तो कहने के हकदार भी नहीं है, क्योंकि आपके तो जो विधायक थे वो भी जोधपुर विश्वविद्यालय की जो भर्ती प्रकरण हुआ उसमें जेल तक गए हैं, आप देखिए उस भर्ती प्रकरण में जेल तक गए हैं, आपको बात करने के लिए
शंकर जी, अगर आपने 60 साल के राज में काम किया होने के बाद आज तक कोई शंकर जी आपने जवाब दीजिए, आपने जिस प्रकार से बातों का जवाब दीजिए, सुनिए मेरी बात, जवाब दीजिए आप से कैसे शंकर जी। जोधपुर विश्वविद्यालय आज सबसे बड़ा सवाल यह है, आज सबसे बड़ा सवाल यह है, बेरोजगार ठगी सब आप स्थिति देखिए, आज इस आज के परीक्षा का सबसे बड़ा सवाल यह है शंकर जी, मुद्दे को दूसरी जगह लेके जा रहे हैं सजग है एसओ जी, आप कर रही है शंकर जी, मेरी बात सुनिए, नहीं सुनिए जगह, जिस जगह आपको जवाब देना चाहिए आप जवाब देने के लिए भी हो, सबसे बड़ा सवाल यह है शंकर जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है जो लोग लगातार तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, ये गिरोह पकड़े गए, लेकिन 5500 मात्र पद है, जिन लोगों ने नकल करके वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, तो जो 17 लाख जो एग्जाम देंगे और कुछ लोगों ने दे दिया, उनके साथ क्या होगा, क्या ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, क्या उनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, बात इस पे करो ना, इस पे करो ना, आज आज हजारों लोग रो रहे हैं कि हमने तैयारी की, मेहनत की, आज वो लोग फर्जी लोग पास हो जाएंगे तो हम कहां जाएंगे, तो इस परीक्षा को रद्द करनी चाहिए, दोबारा से ऑफलाइन परीक्षा करवानी चाहिए, जिसे लोगों को विश्वास हो, ने सिस्टम पे विश्वास हो चुका है, सरकार के ऊपर विश्वास, गिरोह पकड़ में आया है, सुनो मेरी बात, गिरोह पकड़ में आया है, गिरोह की कड़ियां निकल रही है, जो जो फर्जी है जो नहीं पकड़े गए, अगर लगता है कि निश्चित रूप से भर्ती रद्द करनी चाहिए तो भर्ती रद्द की जाएगी, क्या भाई लगना चाहिए, अरे पकड़ में आपको बात बताइए, आप सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे को, आप सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मेरे को, आप ये जब छात्र नेता अगले पायदान की तरफ बढ़ता है, यानी कि उसको सियासत में कदम रखना होता है, तो फिर डिबेट के अंदर भी छात्र नेता उसी रंग में नजर आता है, वो नरसी पे भी लागू होती है और फिर गोरा पर भी लागू होती है, ठीक है आगे की सियासत के लिए कुछ तो करना है, लेकिन नरसी जरा बताइए क्या वाकई में इस भर्ती के बाद कांग्रेस कोई स्टैंड लेगी, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, मैं राजनीतिक पार्टियों का जिक्र ही नहीं करता, क्या नरसी स्टैंड लेगा, निश्चित तौर से मैं स्टैंड लूंगा, और आज ही भाई उपेंद्र जी तो चलो यहाँ इत्तेफाक से भी मिले हैं, हम लोग सुबह जब हमारी चर्चा हुई थी मैं खुद गांधीनगर थाने जाके आया हूँ, और हम लोग मंडे को एक आंदोलन करने वाले हैं, ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और जो लोग उन्होंने फॉर्म भरे हैं उनको दोबारा से परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए, और जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे एक मैसेज जाए पूरे प्रदेश में कि कोई दोबारा ऐसा करने की सोच ना आए, क्योंकि पैसे वाले लोग कब तक ये सोचते रहेंगे और गरीबों के बच्चे कब तक ऐसे पिसते रहेंगे, और अगर जरा बताइए कि अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती है तो जिस मकसद के साथ हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं वो हल हो जाएगा, निश्चित आगे से ऐसा नहीं होगा ये मान लिया जाए, निश्चित तौर पर इसका हल होगा, और कम से कम वो लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको एक सबक मिलेगा, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी उनके सेंटर को रद्द किया जाएगा, आज सेंटर पर पुलिस वालों को बिठाया जा रहा है, ये पहले करना चाहिए, आज हर सेंटर पर पुलिस वालों की तैनाती की गई है निगरानी के लिए, ये पहले करना चाहिए था ना, ऐसा होता ही नहीं, आज किया जा रहा है, ठीक है सुनील, क्या वाकई में आपको लगता है कि अगर एक एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि किसी को नौकरी की जरूरत ना हो, हर कोई अपने आप में सक्षम हो, फर्जीवाड़े की जरूरत ना हो, तो ऐसी घटनाएं अपने आप रुक जाए, बेशक अगर इस जो अपनी शिक्षा का जो एक डर्रा है इसको रोजगारोन्मुखी अगर बनाया जाए, रोजगार इससे डेवलप हो जाएंगे तो फिर सरकारी नौकरी की तरफ क्यों भागेगा युवा, युवा की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ तब भागता है क्योंकि उसको दूसरी जगह पे रोजगार की संभावनाएं उससे कम है, इसलिए तो अगर इस तरीके के शिक्षा व्यवस्था में अगर बदलाव आता तो बेशक बेरोजगारी भी दूर होगी और इस तरह के हालात भी नहीं बनेंगे, सोलंकी जी किसी ने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, परीक्षाएं पहले भी होती रही, पुलिस की भर्ती पहले भी निकली, ऐसा क्या कारण था कि पहली बार इस सरकार ने प्रयोग किया कि इस परीक्षा को 45 दिन तक चलाया जा रहा है, जब 10वीं की 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, गांव में किस हालत से लोग गुजर रहे हैं, और जब कोई चीज लंबे दिनों तक चलती है तो संभावनाएं ज्यादा बिगड़ने की होती है, क्यों क्या सरकार के पास इतना सिस्टम नहीं है, क्या इतना प्रशासन नहीं था कि यह परीक्षा पूरे राजस्थान में एक दिन में संपन्न कराई जा सके या 2 दिन में संपन्न कराई जा सके, मैं तो ये मुझे तो कहीं ना कहीं इसमें भी ये भूत नजर आ रही है कि ये लोग कहीं ना कहीं इसमें भी चुनावी माहौल है, सरकार ये भर्ती रद्द कर देगी तो सरकार की बेइज्जती होगी, इसलिए वो जानबूझकर इस भर्ती को पूरा करना चाहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने रात दिन मेहनत की उनके साथ क्या बीतेगा, शंकर जी आप भी जवान हो, आप भी बेरोजगार हो, मैं भी जवान हूं, 16 लाख उनके साथ क्या बीतेगी, आप सोचिए उन बेरोजगारों के साथ क्या होगा, क्या सरकार की बेइज्जती के नाम पे इसको माफ कर दिया जाएगा इन लोगों को, ये तो बिल्कुल गलत है। निपुण जी मैं बार बार ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हर भर्ती के अंदर ये सब कुछ होता है, चंद मछलियां, चंद खराब मछलियां पूरे तालाब रूपी इस सिस्टम को खराब कर जाती हैं, क्या इसका कोई एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि जहां पर गड़बड़ियां हो सिर्फ वहां पर इसको एक्शन लिया जाए, बाकियों पर इसका असर ना पड़े,
देखिए सर, क्या है, जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग अगर राजनीति की बात करें, जब तक वो दृढ़ इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगी, चाहे हम किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट की, तो ये बात शुरुआत से लेकर अंत तक, एक तो क्या कि आपको बहुत ऐसे क्या होगा, राजनीति इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। जैसे अभी आपको हम लोग बात कर रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए, इस तरह की बातें हैं, निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको क्या सुधार करने का मौका देना चाहिए। दूसरा मैं एक बात और यहाँ पे कहूँगा, एक थोड़ा समाज की सोच भी, गवर्नमेंट जॉब की ओर भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक सिक्योरिटी है। और एक क्या होता है, समाज में अगर रिश्ता भी कोई आएगा, बहुत फ्रेंकली मैं बोल रहा हूँ कि रिश्ता भी आएगा तो सरकारी नौकरी में लगा हुआ है तो उसका अच्छा रिश्ता आएगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। सुनील हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है उनके घर इसी आधार पर रिश्ते की बात चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में आगे से ऐसा नहीं होगा, इसके लिए कोई प्लान बनना चाहिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अगर थंब इंप्रेशन के जरिए ऑनलाइन सिस्टम को हैक कर लिया जाएगा तो फिर सवाल आधार कार्ड पर भी जाएगा, क्योंकि वो भी थंब इंप्रेशन से ही चलता है, तो क्या वो सिक्योर है? ये आज चर्चा का विषय नहीं, बस ऐसे ही जानकारी देने का मन किया तो कर। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे। परीक्षा में धांधलियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये कह सकते हैं कि एक तो समय पे परीक्षा का नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होते हैं, और जो टाइम पे नहीं होने के कारण लोगों में, बच्चों में विश्वास भी कम हो जाता है, या फिर वहाँ प्रलोभन भी दिए जाते हैं कि आजकल कि ये ब्लूटूथ के थ्रू या इसके थ्रू हम आपके एग्ज़ाम पास करा देंगे, अधिकारी से हमारे सीधे संपर्क है, जिसे आपको पैसा देना होगा और आपका वहाँ क्लियर करा देंगे। आजकल बेसिकली यही चीज़ हो रही है।